ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन में कहा गया कि मुरादाबाद मंडल के चारों जनपदों में हजारों परीक्षार्थी बीएड की प्रवेश परीक्षा देंगे, लेकिन मंडल मुख्यालय पर भी बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्र स्थापित नहीं किया गया है, जबकि मुरादाबाद मंडल मुख्यालय पर देश तथा प्रदेश की आईआईटी व पीसीएस जैसी सभी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाएं यही केंद्र बनाकर संचालित कराई गईं। कहा गया कि मुरादाबाद मंडल में बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्र न होने से परीक्षार्थियों विशेषकर महिलाओं को बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मुरादाबाद मंडल में बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने की मांग के साथ जिला संयोजक हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने हमारे सिटी न्यूज संवाददाता को बताया। ज्ञापन दिया है, ये मंडल आयुक्त महोदय के माध्यम से हमने प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी को ये ज्ञापन भेजा है कि ये जो बीएड परीक्षा हो रही है जो 5 तारीख को होनी थी और जिसके पेपर आउट होने से वो रद्द कर दी गई, हमारा इसमें ये कहना है कि जो बीएड परीक्षा है इसका जो केंद्र है ये मुरादाबाद में भी बनाया जाए, और जिस तरीके से मुरादाबाद में बीएड परीक्षा का केंद्र नहीं बनाया गया ये यहाँ के छात्रों के साथ नाइंसाफी है। यहाँ से छात्र 500-600 किलोमीटर दूर पैसा लगाकर जाते हैं, उसके बाद पेपर रद्द हो जाता है। इससे खास तौर से जो महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चों की महिलाएं भी जो है एग्ज़ाम देती हैं बीएड, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।